पास हवाई जहाज है, उनके पास हेलीकॉप्टर है, उनके पास कार है, उनके पास संपत्ति है, उनके पास दौलत है, इसलिए वो कांग्रेस के नेता है, लीडर है और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। ये कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं वो इसलिए है कि उनके पास धन दौलत के अकूत भंडार है, इसलिए वो नेता हैं। नेता का पैमाना ये हो गया, लेकिन हमारे पास जनता है। शिवराज सिंह जी झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे, क्या वो बता सकते हैं कोई कंपनी, कोई उद्योग से क्या मेरा कोई संबंध है? मैं किसी उद्योग का मालिक नहीं हूँ, मैं किसी कंपनी का मालिक नहीं हूँ, पर शिवराज जी का खाना हजम नहीं होता बिना झूठ बोले। अब उनको कुछ नहीं सूझा तो कहते हैं वो उद्योगपति है। मुझे बता दें, आप उनसे पूछिएगा कौन सा उद्योग मेरा है, कौन सी कंपनी मेरी है, कौन सा व्यापार मेरा है, इसका जवाब दें। आपको बिना नाम लिए जिस नेता की और मुख्यमंत्री जी ने इंगित किया है, यह ईश्वर की उन पर कृपा है कि वो वैभवशाली परिवार में पैदा हुए हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य है कि वे हमारे नेता हैं। मगर मैं भी बिना नाम लिए पूछना चाहूँगा कि जो लोग आर्थिक तौर पर विपन्न थे, सड़कों पर घूमने वालों की जिनकी पहचान थी, वो आज विमानों से जमीन की ओर देख क्यों नहीं रहे हैं? नमस्कार, डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और आज मध्य प्रदेश की राजनीति उस मोड़ पर पहुंच गई है जिसे एक मशहूर फिल्म दीवार के उस डायलॉग से समझा जा सकता है, जिसमें हीरो ये कहता है कि मेरे पास बंगला है, बैंक बैलेंस है, गाड़ियां हैं, तुम्हारे पास क्या है? कुछ उस अंदाज में मध्य प्रदेश की ये सियासी लड़ाई दिखाई दे रही है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं मेरे पास जनता है और सामने वाले के पास सारे सुख सुविधा और संसाधन है। तो ये वो लड़ाई है जो कि शोहरत और दौलत की हो गई है। ऐसे में कौन भूमिपुत्र है, कौन लक्ष्मीपुत्र है, इसको समझ पाना मुश्किल है और इसी को लेकर दावे प्रतिदावे हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करते हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेतन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ सिंह जी, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय सोनी जी। तो तीनों मेहमानों को मैं स्वागत करता हूं और समय खत्म किए बिना मैं सीधे रुख करता हूं पहले तो बीजेपी की ओर और उनसे मैं समझने की कोशिश करता हूं कि जनता के मुद्दों की बजाय लीड कौन कर रहा है, उसके पास कितने दौलत है, कितने बैंक बैलेंस है, कितनी गाड़ियां हैं। इस पर बहस करने का क्या फायदा? शिवराज जी बार बार ये याद दिलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि कोई अमीर है, कोई गरीब है? अगर अमीर है, लीडर है, जनता का हितैषी है, तो उसमें गलत क्या है? चेतन जी, देखिए, निश्चित रूप से अमीर होना कोई अपराध नहीं है, फैक्ट्री और व्यवसाय करना भी कोई अपराध नहीं। इस देश में अगर तरक्की के रास्ते खोलेंगे तो उसमें औद्योगिकरण का भी अपना एक बहुत अहम रोल है। लेकिन ये प्रश्न चला कहाँ से, इस पर चर्चा होना चाहिए ना। कांग्रेस के दिग्गज नेता और दिग्गज कानून के नेता, जो कानून के खुद भी बहुत बड़े ज्ञाता हैं, विवेक जी ने ये सारा प्रश्न लिया ना। यह सारी चीजें तो उनसे पूछना चाहिए कि किस आधार पर उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी पर पैसा है, उन पर शोहरत है, दौलत है, सामर्थ्य है, संसाधन है, इसलिए वे कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में लीडर हैं। अब राजनीति में अगर इस तरह के प्रश्न अगर सत्ता पक्ष के बड़े नेता उठाएंगे तो अगर मीडिया पूछेगा तो क्या माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उसका जवाब नहीं देंगे? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने गलत क्या कहा? भैया, उन पे प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, सारी चीजें, इस पे क्रिया की प्रतिक्रिया है। लेकिन हमारे पास भले ही बाकी कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन जनता का समर्थन और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। और ये सच है कि कांग्रेस में बरसों से अगर बड़े पदों पर कोई शोभायमान होता है तो उसके पीछे, पर्दे के पीछे, दीवार के पीछे बहुत बड़ी इबारत खड़ी की जाती है, जिसका नाम है शोहरत और दौलत। दौलत और शोहरत के नाम पर इनके यहाँ सारे पदों का बंटवारा होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शोहरत और दौलत का नहीं, कार्यकर्ता के गुणवत्ता और उसके सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि वो कार्यकर्ता इस पार्टी में कहाँ तक की यात्रा कर सकता है। चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को लेकर के कांग्रेस खुद बार बार कहती है कि उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास ये नहीं, उनके पास ये नहीं। हम लोग भी जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिन परिस्थितियों में राजनीति का सफर प्रारंभ किया था वो किसी छिपा हुआ नहीं है, लेकिन जनता का दिया हुआ आशीर्वाद और पार्टी का भरोसा है कि वे मध्य प्रदेश में लगातार 3 बार और 4थी बार मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल सफलता के साथ पूरा करें। और उनके कार्यों में भी देखिए आप, आम जनता, गरीब जनता के जन कल्याण की ही भावना छिपी हुई है और जन कल्याण का, गरीबी को दूर करने का जो उनका रथ है वो सतत चलता है, इस बात का चिंतन। और यही बात माननीय प्रधानमंत्री, लेकिन कमलनाथ जी कह रहे हैं कि ये तो गलत कह रहे हैं, मेरे पास कहाँ उद्योग है, मेरे पास कहाँ पे फैक्ट्री है, ये बताइए बोल रहे हैं। देखिए इस देश की राजनीति में आदरणीय कमलनाथ जी को चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, लोग जानते हैं कि बहुत बड़े उद्योग के घराने के उद्योगपतियों के बीच से चल करके आते हैं, उनका खुद का उद्योग का साम्राज्य। मोजीवेयर कंपनी किसकी है? ऐसी 9 कंपनियों के मालिक ये इनका पूरा परिवार है, इनके बेटे भी हैं, इनकी पत्नी भी हैं और इनके भांजे भी हैं। और आपने पिछली बार देखा होगा, आज से मैं समझता हूँ 2-2.5 साल पहले, कि इनके जो भांजे हैं उन्होंने कोई बहुत बड़ा फ्रॉड किया था तो दिल्ली की तिहाड़ जेल में 3 महीने तक रह करके आए। तो कमलनाथ जी इस बात को एकदम इग्नोर नहीं कर सकते कि मैं उद्योगपति नहीं हूँ, उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए। दिक्कत ये नहीं है, ये इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे कमलनाथ जी कि मेरे पास कुछ नहीं। अच्छा कुछ भी नहीं है तो आपके पास प्लेन कैसे मेंटेन हो रहा है, आपके पास हेलीकॉप्टर कैसे मेंटेन हो रहा है, आप ये करोड़ों रुपए की जो राजनीति में सारे खर्चे ये कहाँ से चल करके आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तो अपने कार्यकर्ताओं से लेती है। चलिए सिद्धार्थ जी की ओर रुख करेंगे, आपका जो सवाल है जी, आपका सवाल मैं पहुँचा देता हूँ सिद्धार्थ जी के पास। जी सिद्धार्थ जी, ये सारी चीजों को आप सुन रहे हैं, ऐसे सवाल तो होंगे चुनाव के समय, जनता जब जज करती है कि किसका लीडर कैसा है, किसके कपड़े में दाग है, किसका कपड़ा सफेद है, किसके पास क्या है, ये सब तो देखा जाता है। ऐसे में अगर तुलना होती है पैसे दौलत को लेकर, इसमें गलत क्या है? और कुछ सवाल बीजेपी ने भी उठाए, उसका भी जवाब दे दीजिएगा सिद्धार्थ जी। देखिए चेतन जी को मैंने बड़ा गंभीरता से सुना है और मैं बता दूं, जब जिनकी बात कर रहे हैं मोजर बियर की, तो मोजर बियर कंपनी रतुल पुरी जो है माननीय कमलनाथ जी के जो भांजे हैं उनकी कंपनी है। और मैं आपको बता दूं कि आजाद भारत जिस समय 47 में देश आजाद हुआ था, उससे पूर्व में माननीय कमलनाथ जी के जो दादाजी थे वो उद्योगपति थे और ये वो जो ट्रस्ट बना कर गए थे, वो उन्होंने जो ट्रस्ट बनाई थी उसमें ट्रस्टी बनाया था। उस ट्रस्ट के हिसाब से जो होता है वो खर्चे पानी चलते हैं। मैं आपको बता दूं माननीय कमलनाथ जी 9 बार के सांसद हैं और कईयों बार केंद्रीय मंत्री रहे और बेदाग मंत्री रहे, और उन्होंने जब भी जो भी काम किया है पूरे देश में जितने हमारे 28 प्रदेश हैं, 9 यूनियन टेरिटरी है, सबको बराबर का हक दिया है। जब भी वो मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने सारे प्रदेशों में बराबर का जो भी केंद्र से जो राशि जाती थी विकास के लिए बाकायदा उन्होंने दी है। और माननीय कमलनाथ जी का जो छवि है बिल्कुल नीर है, बिल्कुल पानी की तरह साफ है। और मैं आपको बता दूं, फिर वो क्यों कह रहे हैं कि मेरे पास कहाँ है फैक्ट्री, ये सब बोलने की क्या जरूरत है? उनको तो स्वीकार करना चाहिए अगर उनके पास है दौलत, तो इसमें क्या गलत है? नहीं, माननीय कमलनाथ जी तो राजनीति में है, उनके नाम से कुछ भी नहीं है, पता कर लें। उन्होंने पिछली बार भी अपनी जो आय घोषित की थी उसका भी पूरा हवाला भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो उसको देख सकते हैं आराम से। और जो बात कर रहे हैं 3 महीने तिहाड़ जेल में रहने की रतुल पुरी जी की, तो उनपे ईडी का पूरा दबाव बनाया गया था। किस प्रकार से घर में ईडी के लोग कूद के गए थे वो भी पूरा लाइव चला था उस समय पे। आपको याद होगा हमारे चिदम्बरम जी को भी है ना उस समय गिरफ्तार किया था। तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, और आप 800 करोड़ का आपका कार्यालय बन रहा है, अपने कार्यालय की बात नहीं करते हैं। आपके कमल पटेल जी जिनके पास कुछ नहीं था, 1000 एकड़ जमीन है। माननीय शिवराज सिंह जी का फार्म हाउस देखिए, वो 2 नंबर की कमाई को 1 नंबर में कर रहे हैं, तो टमाटर और ऑर्गेनिक खेतियों से। अभी उन्होंने डेयरी लगाई है, तो उस पर भी थोड़ा संज्ञान लें। क्या अगर आप बोल रहे हैं कि वो गरीब परिवार से आए हैं और किसान थे, तो आज उनके पास 1000 एकड़ जमीन कहाँ से आ गई? इतना बड़ा साम्राज्य उनपे कहाँ से आ गया? मैं ये पूछना चाहता हूँ। गौतम मिश्रा जी का देखिए, गोपाल भार्गव जी का देखिए, आपके मंत्री 17 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच गए। स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाते बनाते, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाते बनाते, और आपने इतना आत्मनिर्भर बना दिया कि भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी आत्मनिर्भर हो गया और जनता बिल्कुल बेसहारा हो गई। कभी जनता की बात करिए। आपको 17 साल का अपना जवाब नहीं देते और माननीय कमलनाथ जी पे आप टारगेट करते हैं। कमलनाथ जी पे आऊंगा, इन सब बातों पर भी चर्चा होगी, जवाब भी लिया जाएगा। हम चलते हैं संजय सोनी जी की ओर। संजय जी, ये मध्य प्रदेश में क्या लड़ाई चल रही है? क्या ये छवि डैमेज करने के लिए है या एक ऐसी छवि खड़ी करने की कोशिश है जिसमें लक्ष्मी पुत्र एक दिखाई दे, एक भूमि पुत्र दिखाई दे, एक गरीब दिखाई दे, एक अमीर दिखाई दे। इस आधार पर क्या चुनावी लड़ाई आपस में बटी हुई दिखाई देगी आने वाले दिनों में? जी, एक्चुअल में ये बिल्कुल सही बात है। जब राजनीति की बात हो, लोकतंत्र की बात हो, तो इन सब भाषा का इस तरह के, चाहे राजनेता कमलनाथ हो चाहे शिवराज जी हो, इस तरह से उनको किसी तरह की टीका टिप्पणी किसी पर नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ विकास की बात की जानी चाहिए, क्योंकि अब चुनाव मुहाने पर है। अब आपके पास 18 साल का कार्यकाल और उनके पास कांग्रेस का 15 साल का, 15 महीने का, तो 15 महीने का कार्यकाल और 18 साल का कार्यकाल, दोनों का मूल्यांकन जनता तो कर ही रही है। लेकिन आपके पास भी, भाजपा के पास भी, अपना एक पूरा बताने का मौका है कि हमने इतने सालों सत्ता में रह के क्या किया। और यही बात कांग्रेस के साथ भी लागू होती है कि 15 महीने हमने क्या किया। तो मैं समझता हूँ नेता का बैकग्राउंड भी देखा जाता है। तो ये क्या बैकग्राउंड जो बताया जा रहा है कितना सही है, कितना गलत है, और इसका क्या जनता पे असर पड़ता है? क्या नेता के बैकग्राउंड का कितना असर मानते हैं मध्य प्रदेश में पड़ेगा? इसका कोई असर जनता के बीच में इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि कौन पैसे वाला है और कौन पैसे वाला हो गया और कौन पैसे वाला नहीं है, इससे किसी का कोई फर्क नहीं है। वो जनता का सेवक है, और अगर कमलनाथ जी जनता की सेवा कर रहे हैं, मैं कोई कांग्रेस का सेवा नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं एक सामान्य बात कह रहा हूँ एक पत्रकार के नाते कि अगर वो जनता की सेवा कर रहे हैं, अच्छे से सेवा कर रहे हैं, तो उनका पैसे वाला होना नहीं होना ये कोई विषय नहीं है। शिवराज जी का पैसा होने वाला नहीं होने वाला का कोई विषय नहीं है। वो भी जनता के लिए काम कर रहे हैं, वो भी जनता के लिए काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जितना दिन नजदीक आते जा रहे हैं उतनी ब्लो द बेल्ट बयानबाजी होने लगी है, और मैं समझता हूँ दोनों राजनीतिक दलों के लिए ठीक नहीं है, चाहे बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे। आपको अपने डेवलपमेंट के सहारे बात करनी पड़ेगी, जनता के बीच में जाके बात करनी होगी, और आपने क्या किया और आगे क्या करने वाले हैं, इसकी बात करके आपको चुनाव में उतरना चाहिए, ना कि इस तरह के बयानबाजी या वो दलालों का अड्डा बना रखा था या इन्होंने दलालों का अड्डा बना रखा था मंत्रालय को, ये सब बातों का कोई विषय नहीं है। मेरा जहाँ तक मानना है अब सिर्फ डेवलपमेंट की बात और आगे भविष्य में प्रदेश की जनता के लिए बीजेपी क्या करेगी, कांग्रेस क्या करेगी, इस पे बात होनी चाहिए। ठीक है। राजनीति लेकिन केवल एक विषय पर केंद्रित नहीं रहती, कई आयाम होते हैं, इसलिए सभी चीजों को देखना परखना पड़ता है। लेकिन दावे और प्रति दावे में क्या सच्चाई है कि करके जान लेते हैं। चेतन जी, आप लोगों के नेताओं की लिस्ट भी कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि आपके नेता कैसे थे, क्या थी उनकी स्थितियां, वो भी अमीर हो गए हैं। ऐसे में दूसरों की अमीरी दिखाकर आप जनता का विश्वास नहीं जीत सकते। आप लोगों के यहाँ भी ऐसे लोगों की लिस्ट कम नहीं है जो कि अमीर हुए हैं सरकार में रहते हुए। देखिए, हमने कभी भी किसी के काम पर या उसके अमीर होने पर आपत्ति नहीं की। वो उसकी अमीर होने का तरीका क्या है उसको लेकर के जरूर चर्चा कर सकते। हम राजनीति में शुचिता की बात कर रहे हैं, हम राजनीति में इस बात की बात नहीं कर रहे हैं कि पैसे वाला क्यों आता है और क्यों जाता है। हम बात ये कर रहे हैं कि कांग्रेस में ही पैसे वालों को ही क्यों स्पेस मिलता है, कांग्रेस में पैसे वाले को ही क्यों सारे पद दिए जाते हैं। संगठन से लेकर सरकार तक में कांग्रेस में पैसे वाले लोग ही, आम आदमी आम कार्यकर्ता क्यों नहीं जाता। विषय ये भारतीय जनता पार्टी में आप बता दीजिए, एक भी व्यक्ति, एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता जो पैसे की दम पर, पैसे की ताकत पर किसी प्रभावशाली पद तक गया। संजय पाठक भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी में वो कांग्रेस की यात्रा करके आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी में वो कहाँ पर सारा मध्य प्रदेश जानता है। लेकिन उनको पद दिया गया ना। भारतीय जनता पार्टी की अगर कांग्रेस पार्टी होती तो मिनिस्टर बन गए होते। क्यों? क्योंकि उनका पैसा चलता। भारतीय जनता पार्टी पैसे के आधार पर नहीं, विचारों के आधार पर काम करती है। कार्यकर्ताओं के आकलन के फीडबैक के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा में बेसिक रूप से जो लड़ाई है वो विचारों की लड़ाई है। जहाँ तक हमारे मित्र पत्रकार बंधु ने जो कहा है कि हमारी जो बात है वो विकास पर होना चाहिए, फोकस हमारा विकास पर होना चाहिए, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि आज की राजनीति में लोग विकास की बात करना नहीं चाहते और विनाश को लेकर के सारे एजेंडे तय किए जाते हैं। प्रदेश हो चाहे देश हो, देश जले प्रदेश जले, लेकिन राजनीति की रोटियां हमेशा सीखना चाहिए। वही भारतीय जनता पार्टी ने जहां भी सरकार है, चाहे वे केंद्र में हो चाहे राज्य में, आप देखिए निरंतर हमारी जहां सरकार है हम जन कल्याण के, गरीबों के कल्याण के काम कर रहे हैं। मैं कुछ छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब लाडली बहनों को 1,000 रुपए देने की घोषणा की और घोषणा के साथ में उसको अमल में भी लिया, तब आदरणीय कमलनाथ जी कहते मैं 1,500 रुपया दूंगा। ये 16 महीने में आपको क्यों नहीं समझ में आया कि हमको ऐसा करना चाहिए? 16 महीने में आपने आने के साथ जितनी भी संबल की योजनाएं थी, चाहे वो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, आपने बेटियाओं के अलग दिशा में चले जाएगी, आप करोगे तो आपके साथ कौन आएगा? बिल्कुल, चलिए सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं और जो आपने शुरू में बात कही उसका जवाब ले लेते हैं कि बीजेपी में अलग परंपरा है, अमीरों को ज्यादा या तवज्जो नहीं दी जाती केवल इसलिए कि उनके पास पोस्ट है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा होता है, ये आरोप है सिद्धार्थ जी, और इसी वजह से इस मुद्दे को बार बार हवा दी जा रही है। हमारे यहाँ नहीं होता, आपके यहाँ होता है। सिद्धार्थ जी, 40-40 करोड़ रुपए दे के आप बधाई खरीद रहे हैं और कांग्रेस पे आप लांछन लगा रहे हैं। आप 40 करोड़ से 28 आपने बधाई खरीदे, लगा लीजिए 1,000 करोड़ के ऊपर, तो ये हो गया। और आप जो बात कर रहे हैं, आपके भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कितने बड़े बड़े दिग्गज हैं जो पैसे की दम पे आज राजनीति कर रहे हैं। कौन कौन है? अभी नारायण त्रिपाठी जी ने आपका आईना दिखाने का काम किया था कि भारतीय जनता पार्टी में शिवराज जी की सरकार में बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा, वहां पे पैसे रख दो तो आपको है ना, आपको मंत्रालय मिल जाएगा या आपको है ना पावर मिल जाएगी। ये अभी नारायण त्रिपाठी जी ने ही बोला था, आपके ही आपके विधायक हैं नारायण त्रिपाठी जी, जिनको अभी दो दिन तीन दिन पूर्व उनका एक्सीडेंट हुआ है, जो अपनी पार्टी बनाने जा रहे थे बिंद के नाम से। तो भारतीय जनता पार्टी आईना दिखाने से पहले आईना देखे। मैं चेतन भाई को भी बोलना चाहता हूँ, चेतन भाई इतने फहरिस्त हैं, इतने नाम हैं, अगर वो नाम गिनाने बैठूंगा तो पूरी रात हो जाएगी। इस बात को आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि आप ही के विधायक, आप ही के कद्दावर नेता कैलाश, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय जी, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि ऊपर से बॉस का आदेश हो जाए तो 2 मिनट में हम तो पूरी सरकार खरीद लेंगे कांग्रेस की। कहाँ से खरीद लेंगे? पैसा कहाँ से आया कैलाश विजयवर्गीय जी से पूछिए जरा आप, उनपे इतना पैसा कहाँ से आया? एक समय भजन गाते थे, आज भजन गाने से आज उनपे 1,000 करोड़ क्या लगभग उनके पास संपत्तियां होंगी। चलिए 30 सेकंड की टिप्पणी सोनी जी से ले लेते हैं। दोनों बातों को सुनकर आपको क्या लगता है राजनीति पे इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये जो दोनों मुद्दे उठ रहे हैं? जल्दी सोनी जी। देखिए, इस पे मुझे लगता है कि कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि जनता ने सबके काम देखे हुए हैं और किसकी छवि क्या है उनके दिलो दिमाग में है। अब चुनाव में इसका कोई परिणाम, दुष्परिणाम आएगा कि परिणाम आएगा, मुझे लगता है इसका कोई असर विशेष होने वाला नहीं है। कौन कितना, क्योंकि कौन कितना अच्छा जनसेवक है, कौन कितना अच्छा जनता के बीच में काम करना चाहता है, ये आने वाले उनके मैनिफेस्टो और वचन पत्र में बताएगा। जब वो अच्छा लगेगा तो जनता उसके फेवर में वोट करेगी, ये उसका परिणाम होगा। तो ये दौलत और शोहरत की लड़ाई कोई ज्यादा असर नहीं करेगी, ये सोनी जी का कहना है। यही बात हम भी कह रहे हैं और इसीलिए इस फाइनल नोट पर इस चर्चा को खत्म करेंगे। हमारे साथ चेतन जी जुड़े, आपका धन्यवाद। सोनी जी आपका धन्यवाद। सिद्धार्थ जी आपका भी धन्यवाद। और मध्य प्रदेश में जो चल रहा है, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगले की लड़ाई के बजाय माँ जिसके पास है यानी जनता जिसके पास है उसकी जीत होगी, ये हम भी उम्मीद करते हैं। लेकिन गिनाई सब चीजें जाएंगी क्योंकि राजनीति है और राजनीति कहती है साहब दूसरे की खामियां बताओ तभी आप जीत हासिल कर पाओगे। तो कुछ इस तरीके की स्थितियां हैं। फिलहाल इस पर हमारी नजर बने रहेगी। आज की चर्चा में इतना ही। आप लोग देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।